तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन से ड्राइंग मटेरियल यूज़ करनी चाहिए ड्राइंग बनाने के लिए। अगर आप बिगनर हो तो आपको कौन से मटेरियल यूज़ करनी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको आज का टॉपिक बता दिया है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ड्राइंग मटेरियल आता है ये पेज। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पेज आपको यूज़ करना है। ये है कार्ट्रिज पेपर। मेरे पास जो पेपर है 140 GSM का है, और ये जो मेरे पास पेपर है ये है लोटस ब्रांड का A4 साइज़ का पेपर है। इसमें 25 शीट आती है, जैसे कि आप देख सकते हो कार्ट्रिज पेपर लिखा हुआ है यहाँ पे, और लोटस ब्रांड का ये। और इसी की तरह एक और पेपर आता है, वैसे तो बहुत पेपर होते हैं लेकिन इसी की तरह एक और पेपर आता है जिस पेपर का नाम होता है आइवरी शीट्स या आइवरी पेपर। वो वैसे तो एकदम स्मूथ होता है और 210 GSM का, मतलब 210 GSM का होता है। अब कई लोग पूछते हैं कि ये GSM क्या है। GSM का मतलब होता है थिकनेस। देखिए यहाँ पे आइवरी पेपर है, इसमें आपको साफ दिख रहा होगा ये 210 GSM का है, और वहाँ पे दिख रहा है कार्ट्रिज पेपर जो कि 140 GSM का है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कार्ट्रिज पेपर जो होता है वो थोड़ा रफ होता है और आइवरी पेपर स्मूथ होता है। अगर आपको पेंसिल ड्राइंग, मतलब जैसे आप कलर पेंसिल से ड्रॉ करते हो, तो आपको उसमें क्या देखना है? उसमें आपको ये चीज़ देखनी है कि आपका पेपर स्मूथ हो। आईवी पेपर में अगर आप बनाओगे तो स्मूथ बनेगा, और अगर कार्ट्रिज में आप बनाओगे तो उसमें रफ लगेगा। आपको साफ साफ दिखाई देगा, बीच बीच में ना वाइट स्पॉट जैसे दिखेंगे आपको। तो इसलिए कभी भी आप स्केच बनाओ तो कार्ट्रिज पेपर में बनाओ, और आईवी में भी बना सकते हो। लेकिन अगर आप पेंसिल ड्राइंग बना रहे हो, जैसे पेंसिल ड्रॉ से मेरा मतलब है कलर पेंसिल ड्रॉ बना रहे हो, तो आप आइवरी पेपर का यूज़ करना हमेशा, क्योंकि हम सबसे पहले पोर्ट्रेट मेकिंग करने वाले हैं, यानी पोर्ट्रेट ड्राइंग बनाने वाले हैं, तो उसके लिए कार्ट्रिज पेपर का यूज़ करेंगे। तो इसलिए मैं कार्ट्रिज पेपर का दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का होता है, देख सकते हो आप। तो कार्ट्रिज पेपर का तो हमको पता लग गया है, आइवरी का भी पता लग गया है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे ड्राइंग मटेरियल्स की। दूसरा ड्राइंग मटेरियल क्या है? तो सबसे पहले हमारा दूसरा ड्राइंग मटेरियल में आता है पेंसिल्स। तो देखिए ये है हमारी पेंसिल्स। मैं अप्सरा की पेंसिल यूज़ करता हूँ, अप्सरा आर्टिस्टिक नाम की पेंसिल है ये। इसमें 6 शेड होते हैं, 2B, 4B, HB, 6B, 8B, 10B, और बाकी ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये 4B है, और इसी तरीके की कुछ होती है। ऐसे मेरे पास एक और है 2B, वैसे तो 6 पेंसिल है मेरे पास, तो ऐसी है, ऐसी कुछ होती है। आप ये खरीद सकते हो, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस तरीके की होती है कुछ ये। और दूसरे ड्राइंग मटेरियल की बात करता हूँ मैं, तो दूसरा ड्राइंग मटेरियल अगला आता है ये पेंसिल। अगर आप आउटलाइनिंग ड्रॉ कर रहे हो, तो आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए आपके पास एक मैकेनिकल पेंसिल होनी ज़रूरी है, और ये ऐसी पेंसिल आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में मिल जाएगी 15 रुपये या उससे कम की मिल जाएगी आपको ये। तो ये सैलो की है मेरे पास, इससे मैं आउटलाइन ड्रॉ करता हूँ। आउटलाइन ड्रॉ करते वक्त हमेशा याद रखना कि आप बहुत लाइट शेडिंग करो, मतलब लाइट ड्रॉ करो। अब अगले ड्राइंग मटेरियल की बात करते हैं, तो अगला ड्राइंग मटेरियल है इरेजर। ये तो 5 रुपये की इरेजर आती है अप्सरा की। ये एक ऐसी इरेजर है जिसको आप ज़िंदगी भर यूज़ कर सकते हो एक बार खरीदने के बाद भी। You serious? अगला ड्राइंग मटेरियल है ये शॉर्पनर। ये भी आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, ये तो नॉर्मल ही है। अगला ड्राइंग मटेरियल है ये इरेजर। ये इरेजर अप्सरा मैकेनो की है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। अच्छी इरेजर है काफ़ी, पेन टाइप की होती है ये। अमेजोन पे मिल जाएगा आपको, फ्लिपकार्ट मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैकेनो क्लिक टू इरेज। ये अप्सरा ब्रांड की है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो बैक से ये कुछ इस टाइप की दिखती है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से बाय कर लीजिएगा। तो ये कुछ इस टाइप की दिखती है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, आप इसको बाय कर सकते हो वहाँ से। अब एक बार मैं आपको सारे मटेरियल्स के बारे में दिखाया, तो कि मैंने कौन कौन से मटेरियल दिखाया आपको। सबसे पहले ये पेंसिल जो कि मैंने आपको बताया अप्सरा ब्रांड की थी, अप्सरा आर्टिस्टिक 6 शेड वाली थी ये। अब दूसरी बात कर लेते हैं ये इरेजर जो मैं आपको बता रहा था, 5 रुपीज़ की आती है इरेजर, अप्सरा की है ये भी, शॉर्पनर ये भी। और शॉर्पनर के बाद आता है ये मैकेनिकल पेंसिल जो कि मैं सैलो की बता रहा था आपको, आउटलाइनिंग के लिए ड्रॉ करता हूँ। ये 0.9 mm की है मेरे पास। अगला है ये अप्सरा मैकेनो की इरेजर। ये अप्सरा मैकेनो की रेजर भी मैं आपको इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओह माय गॉड, वाओ। तो गाइस, ड्राइंग मटेरियल के सारे बेसिक मैंने आपको आज बता दिए हैं। अब ये जानने के लिए कि इनको यूज कैसे करना है, उसके लिए मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और थोड़ा मोटिवेशन दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। तो इस वीडियो का एम रखते हैं 100 लाइक्स, इतना तो कर ही दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.